बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज रास और आज के दिन देखने वाले हैं जो भी छात्र एम जे पी आर रोहलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से हैं, मतलब कि एम जे पी आर यू रोहलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से हैं, तो उनका पेपर होने वाला है 4/7/2022 को एक पेपर होगा जिसका नाम हो जाएगा जूलॉजी का सेकंड पेपर होने वाला है बी एस सी सेकेंड ईयर वालों का। ठीक है, फिजिक्स का भी पेपर होने वाला है 4 को ही सेकेंड ईयर वालों का, तो उसका भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर वालों को भी दूंगा और सेकेंड ईयर वालों को भी दूंगा, थर्ड ईयर वालों को भी दूंगा। मैं आप सभी का ध्यान रख रहा हूँ, तो आप भी हमारा ध्यान रखिए कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको पता होगा इसका जो फर्स्ट पेपर हुआ है वो कितना परसेंट फंसा था, मैंने कहा था कि 70%, केवल 10 क्वेश्चन पढ़कर। दो दिन में 10 क्वेश्चन पढ़ लो, दो दिन पहले मैं 10 क्वेश्चन देता हूँ, वो उससे 70% आया, लेकिन कल 75% फंसा था, ये आपको क्लियर है। और मैंने आपको कहा था कि आपने, मैंने 4 वीक पहले या 4 सप्ताह पहले एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी, और वहीं आपको 4 महीने पहले भी एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी। मैंने उससे बोला था कि आप उतना क्वेश्चन याद कर लेते हो तो आप 85% प्लस देखने को मिलेगा, आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है, कहा था। और मैंने जो कहा वो मैंने वादा पूरा किया, और आप भी मुझसे एक वादा करो कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और कल पेपर होते ही आप जैसे ही क्लास में जाएंगे, अपने क्लास में जैसे ही जाएंगे पेपर देने के लिए, सभी बच्चों से कहोगे कि कौन कौन पेपर हैकर यूट्यूब चैनल से पढ़ के आया, सभी लोग पेपर हैकर के प्रचार करेंगे, समझ रहे ना, कि पेपर हैकर के बारे में आप बताएंगे जो भी आपके स्टूडेंट हैं, आसपास के जो भी बंदे हैं, और उनसे भी कहिए कि पेपर हैकर के बारे में सभी लोगों को बताइए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, यूट्यूब चैनल है जो हमारा पेपर हैकर, उसके बारे में बताइए कि वहाँ से पढ़ के जाइए एकदम ज़बरदस्त अच्छी तरीके से। मैं यहाँ से केवल एक एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि जो छात्र, देखो 3 पेपर आपके होते हैं, एक पेपर इतना हार्ड आएगा कि जो आपको लगेगा कि सच में यार सर ने जो बताया उससे बहुत कम फंसा है, लेकिन 2 पेपर ऐसे बताऊंगा जो बिल्कुल पेपर में फंसते होंगे। चिंता मत करो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, कोई इशू नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी है तो मुझे कॉल करो, समझ रहे हैं ना, मैं आपका साथ दूंगा, हर परिस्थिति में साथ दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना। अब देखो ये है बीएससी सेकंड ईयर वालों के लिए जियोलॉजी का सेकंड पेपर है जो 4 जुलाई को आपका आने वाला पेपर है, 4 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर हो रहा है। अब ध्यान से देख लो क्या क्या क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो सभी लोग और वीडियो को लाइक कर दो। पहले आप करिए जाति की उत्पत्ति, लगा दो टिक, जाति की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है, जाति की उत्पत्ति टच करो, जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है कि भैया जाति है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, बताओ बताओ, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये लॉन्ग में आएगा या शॉर्ट में आएगा, तो मैं देखो यहाँ आपको जो लॉन्ग और शॉर्ट जो आपके माइंड में चलता रहता है ना, बेवकूफ़ी वाली बातें, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। अब एक बात बता दूँ, यही क्वेश्चन लॉन्ग में आ गया तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा तो अकेले थोड़ी आएगा, ये इसके साथ में ऑस्ट्रल परिमंडल भी आ सकता है, ओरिएंटल परिमंडल भी आ सकता है, अरे आएगा लॉन्ग में, ये बनाएगा, मान लो इस क्वेश्चन को लॉन्ग में उसने बनाया है तो शॉर्ट में ही। अब जाति की उत्पत्ति शॉर्ट में आएगी क्योंकि बहुत बड़ी थोड़ी है जाति की उत्पत्ति। अब एक बात बताओ, अब ये लॉन्ग में उसने क्वेश्चन दे दिया तो अकेला क्वेश्चन थोड़ी देगा, एक ऐसे कहेगा जाति की उत्पत्ति का वर्णन करो और इसमें लगाएगा फुल स्टॉप, उसके बाद में एक बताएगा जो ओरिएंटल परिमंडल है उसका भी वर्णन करो। अब यार 2 क्वेश्चन उसने दे दिया, शॉर्ट शॉर्ट 2 क्वेश्चन मिला लोगे, 100 से 150 वर्ड में लिखने के लिए बोलता है, बोलता है। यदि भाई 150 वर्ड में आपने 125 वर्ड में लिखा, ठीक है, और 125 में दूसरा क्वेश्चन लिखा तो 250 वर्ड तो हो गए, और 250 वर्ड का मतलब होता है लॉन्ग क्वेश्चन। यार समझा करो, दिमाग को चलाओ यार, अब तुम छोटे बच्चे नहीं रहे, अब कुछ बड़े हो गए हो, तो वो चीज़ आपको यहाँ लॉन्ग और शॉर्ट में डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके बुक नोट्स गैस पेपर में जो आप जिससे भी तैयारी कर रहे हैं, दिनेश हो, प्रतिभा हो, जो भी है, प्रखर हो, बहुत सारे मार्केट में आ रहे हैं, तो जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं उस पर बस ये टिक लगाइए, ये जाति की उत्पत्ति यदि आपके बुक में नोट्स में लॉन्ग में दे रखी है तो आप लॉन्ग में याद करो, यही आपका शॉर्ट में दे रखा है तो शॉर्ट में याद करो। मैंने ये तो नहीं कहा अभी दोनों तैयार करो, जो दे रखा है उसको तैयार कर लो, ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट की बात नहीं, ये जो अकेला आएगा तो शॉर्ट में आएगा, 2 आ गए क्वेश्चन इसी के अंदर का तो लॉन्ग में हो जाएगा भाई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको ओरिएंटल परिमंडल के बारे में देख लेना है, ओरिएंटल परिमंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, एक होता है ऑस्ट्रल परिमंडल, यदि आप हो सके तो इनमें से ये वाला ऊपर वाला ज़्यादा पढ़ के जाना, इसको एक बार पढ़ लेना, यदि ये क्वेश्चन आ गया तो आप बना बना के लिख दोगे, ठीक है, लेकिन जाति की उत्पत्ति 100% पेपर में छपेगा, इस क्वेश्चन को रट के जाना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद में क्या आता है, नीचे जाइए, इसको भी छोड़ दीजिए, छोड़िए बात खत्म। देखो यहाँ बोला गया है संयोजक कड़ियों के प्रमाण का जैविक विकास क्या होता है, ठीक है, इसको भी छोड़ दिया, दीर्घ विकास के बारे में छोड़ दीजिएगा, कि मध्य जीव काल का हटाओ, ठीक है, प्राणियों के भौगोलिक वितरण के बारे में पढ़ के जाएंगे, ये क्वेश्चन मोस्ट है, इस क्वेश्चन पर टिक लगाओ, इस क्वेश्चन को टिक लगाओ और वीडियो को एक बार लाइक कर दो,
वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट, और दोस्तों को शेयर जरूर कर देना है वीडियो को, लास्ट में शेयर करना है सभी को, ठीक है। जो प्राणी होते हैं उनके भौगोलिक वितरण के बारे में आपको याद करके जाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद में आता है लैमार्कवाद और डार्विनवाद, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे पूछेगा लैमार्कवाद, नव लैमार्कवाद, डार्विनवाद की आलोचना करो, आलोचना करने के लिए पूछता है, तो इन दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, लैमार्कवाद को, नव लैमार्कवाद को, डार्विनवाद को, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 100% बनेगा। हो सकता है डार्विनवाद को शॉर्ट में पूछ ले, नव लैमार्कवाद को लॉन्ग में पूछ ले, लेकिन पूछेगा जरूर, ये क्लियर है। इसको आप पढ़ के जाएंगे। देखो यहां बोला गया जैव विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको लगा देना मोस्ट इंपोर्टेंट पे, ये शॉर्ट में पूछ सकता है, ठीक है। यदि इसमें दो क्वेश्चन ऐड कर लेगा, इसके साथ में एक क्वेश्चन और ऐड कर देता है, तो वो लॉन्ग में बन जाता है। तो आपको जैसा भी दे रखा है वैसे तैयार करो, ठीक है। उसके बाद में आता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि पीतक के आधार पर जो अंडे होते हैं उनका क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडे पीतक, मतलब पीतक के अंडे के अंदर जो पीला पीला पदार्थ होता है उसके आधार पर क्या होता है कि अंडे को क्लासिफिकेशन करना होता है, कितने भागों में बांट सकते हैं, वो आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलो एक आता है विदलन, ये जो आप देख रहे हैं ये शॉर्ट में बनेगा, ये पक्का शॉर्ट में बनेगा, विदलन शॉर्ट में बनेगा। चलो उसके बाद में युग्म जनन, जो आप देख रहे हैं ना युग्म, युग्मक जन, जनन बोलते हैं, युग्मक जनन का मतलब होता है ये दो, इसके दो भाग होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शुक्राणु जनन, एक होता है अंडाणु जनन। इन दोनों को पढ़ लेना, शुक्राणु जनन यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इसके ही भाग होते हैं, दो भागों में डिवाइड किया गया है युग्म जनन को, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में बनेगा, शॉर्ट में अलग अलग ऐसे बन सकता है कि अंडाणु जनन क्या होता है, शुक्राणु जनन क्या होता है, ठीक है। युग्मक जनन पूछेगा तो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, ये इसके साथ में एक और पूछ सकता है, ठीक है। बस इतना पढ़ लेना, एक पढ़ना जरायुज का निर्माण कैसे होता है, ये जरायुज का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, बस ये पढ़ लेना। जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति, और ये क्या होता है जीवाश्म का निर्माण, जीवाश्म का निर्माण कैसे हुआ और जीवन की उत्पत्ति, ये मैंने ऊपर बता चुका हूं, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति बताएगा क्या, मैंने जाति की महा और जाति की उत्पत्ति बताई थी, देखो जाति की उत्पत्ति ये क्वेश्चन है और वो है हमारी जीवन की उत्पत्ति, ठीक है। ये दोनों को अच्छी तरीके से देख लेना है, और एक आपको देखना होगा ये वाला क्वेश्चन, ये निषेचन किसे, फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये शॉर्ट में बनेगा, ये क्वेश्चन शॉर्ट में मिलने वाला है, कैसे बेटा शॉर्ट में मिलेगा, ठीक है। हिक्कल के पुनर्वर्ती सिद्धांत के बारे में, ये भी शॉर्ट में बनेगा, ये भी क्वेश्चन शॉर्ट मिलने वाला है, ठीक है। चलो उसके बाद में देखो नीचे उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये भी क्वेश्चन आपका शॉर्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लॉन्ग में पूछे जा रहे हैं बेटा 6 क्वेश्चन जिसमें से 3 क्वेश्चन करने होंगे, और शॉर्ट में पूछे जा रहे हैं 8 क्वेश्चन जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, टोटल कितने होंगे 12 तो 14 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपको करने कितने होंगे बेटा, करने 8 क्वेश्चन होंगे, समझ रहे हैं मेरी बात को। और MCQ को जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो हमारी PDF को डाउनलोड कर लो, PDF का लिंक paperhacker.in वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, paperhacker.in गूगल पर सर्च, सॉरी क्रोम पर सर्च कर लेना, गूगल सर्च कर लेना, वहां हमारी वेबसाइट खुल जाएगी और आप देखेंगे वहां सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, जाकर डाउनलोड कर लो, या फिर हमारे MCQ की आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन का डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और प्ले स्टोर पर सर्च करना BS, मतलब प्ले स्टोर पर सर्च करना होगा पेपर हैकर BSc सेकंड ईयर जूलॉजी MCQ, ऐसे करके डालना है, सारी जूलॉजी के MCQ एप्लीकेशन आ जाएंगी, आप आराम से पढ़ सकते हैं या फिर हमारी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इतना पढ़ना है खत्म, इसके बाद में यहां कुछ नहीं देखना। एक लास्ट में एक थोड़ा सा बोलूंगा कि जीन म्यूटेशन को देख लेना, जीन म्यूटेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, और मेंढक का टैडपोल लार्वा ये पूछेगा तो भी ये शॉर्ट में बनेगा, जीन म्यूटेशन भी शॉर्ट बनने वाला है। अंडे के प्रकार ऊपर दे चुके हैं, भ्रमण कला हो सके तो भ्रमण कला के बारे में देख लेना, जो चूजे के जो वर्धन में जो भ्रमण कलाओं का वर्णन होता है, भ्रमण कला कैसे होती है उनके बारे में बस थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना, ये शॉर्ट में बनेगा। ये तो आप पढ़ के चले जाओगे ना तो आप बना बना के लग दोगे, क्योंकि एक बार ही तो पढ़ना है, 2 दिन हमारे पास में, बस इतने से क्वेश्चन पढ़ के चले जाना, लेकिन पढ़ना है, समझ रहे हैं। और जो मैंने बताया ना रटने वाले क्वेश्चन वो रटना है, और जो पढ़ने वाले बताएं केवल एक बार पढ़ के चले जाओगे, तो उसको यदि गलती से आ भी गया, मान लो तुम्हें कठिन लग रहा है कोई दूसरा क्वेश्चन, तो ये आपको सरल लग रहा है, इसको बना बना के कर सकते हो तो बना बना कर दे रहा है, लेकिन छोड़ के किसी भी क्वेश्चन को नहीं आना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है, मैं जब तक जिंदा हूं ना आपको कुछ नहीं होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके सामने होगा। बस यार इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ नहीं मांग रहा, बस इस वीडियो को अपने क्लास में जाते ही सब बच्चों को बताना है कि पेपर है कर यूट्यूब से पढ़ के आया करो, सारे क्वेश्चन वही आते हैं, सबको बता दो यार। कुछ छात्र तो अपने टीचर को भी बता देते हैं, एक अभी बरेली कॉलेज से एक टीचर का कॉल आया था मेरे पास में, ठीक है, बरेली कॉलेज, एक बरेली ही में कोई कॉलेज है, PG कॉलेज बता रहे थे वो, और उसका नाम अनिल कुमार था सर का, बता रहे थे मुझे, तो उनका कॉल आया था, तो
वो भी अपने बच्चों को जो मैं देता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही आपको बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। ये चीज़ देखिए, समझ रहे हैं ना, वो मुझे 3 साल से फॉलो कर रहे हैं, कह रहे हैं 2 से 3 साल से मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन आप देते हो वही आता है, क्लियर है, ठीक है। तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया है, आपका गैस अच्छा रहता है, तो ये चीज़ होती है। तो आप भी भरोसा करिए, टीचर भी भरोसा करते हैं, और आप अपने भी टीचर को बताइए कि सर पेपर हैकर यूट्यूब चैनल से भरोसा करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, लव यू सभी के लिए, ठीक है, और अच्छा पेपर जाएगा, जल्द से लव यू यार।